आज पाकिस्तान में महाफिज कहता है कि सुन ले। सीसीपीओ लाहौर को निशाने इबरत बनाया जाए, मरियम औरंगजेब का मुतालिबा, कहती है उमर शेख को अब घर जाना पड़ेगा। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब मामले पर खामोश हैं, खातून से ज्यादती रियासत की नाकामी है। न जवाब दे न सवाल कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, सवाल एक जवाब तीन, वजीर आला पंजाब हैं बेहतरीन। वाकई के बाद जिस चीज ने सबसे ज्यादा इश्तियाल फैलाया है, एक तो वाकई ने इश्तियाल फैलाया, वो सीसीपीओ लाहौर के वो गुफ्तगू थी जो उन्होंने मीडिया से बात की, जलती पे तेल का काम किया है कि हम अपने जो फराइज हैं उससे हम किसी भी सूरत गफलत नहीं कर सकते, चूंकि ये पंजाब गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे पे है। हम इंशाअल्लाह इस जो इसके कल्प्रिट्स हैं इस तक हम पहुंचेंगे और ये हमारी ड्यूटी है। मैं उस गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ, उमर शेख साहब ने आपके सीसीपीओ ने की है, आपने क्या इस पर, आपका क्या रद्द अमल है इस गुफ्तगू पे? जी, इस वाक़े के ऊपर हमने एक कमेटी बना दी है जिसके होम सेक्रेटरी इसको लीड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनके तमाम जो पहलू हैं उनको हम इंशाल्लाह ज़ेरे गौर लाएंगे और इसका जो रिज़ल्ट होगा फिर हम पूरी काम को बताएंगे इंशाल्लाह। उमर शेख साहब की ये गुफ्तगू जिसमें कि वो उस खातून की गलतियां गिनवा रहे हैं अपने टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर, और जिससे कि उनका इमेज, पुलिस का इमेज, पंजाब का इमेज, आपकी हुकूमत का इमेज पूरी तरह से मुतासर हुआ है, फिर मैं कहूँगा कि ये जो जलती है इस पर तेल का काम किया है। आप देखेंगे इसका हर पहलू से, हर जाविये से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और अपनी जो हमारी ड्यूटी है उससे हम भागेंगे नहीं। सीसीपीओ को अहदे से हटाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। पब्लिक सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट सीसीपीओ साहब का बयान, तो मैंने रात भी कहा था कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता और मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बयान नहीं था। पाँव पकड़ूंगा, मिन्नतें करूंगा, ज्यादती करने वालों को नामर्द बनाने का बिल हर सूरत पछताऊंगा, फैसल वाजा का ऐलान, कहते हैं दरिंदों को सख्त सजाएं दिलाने के लिए आगे बढ़ना होगा। फांसी की बात करें तो नाम निहाद लिबरल्स शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मोटरवे वाकया रियासत की बेहुर्मती का सानिया है, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी शदीद रद्द अमल, कहा पाकिस्तान की एक इज्जतदार बेटी के साथ ये क़यामत दिल छलनी कर गई, मुल्क की आबरू का तकाजा है मुजरिम जल्द सजा पाए। सीसीपीओ के मामले पर माँ बेटी आमने सामने, ईमान मजारी ने वजीर आला और पीटीआई रहनुमाओं की तस्वीर शेयर कर दी, लिखा ये वो लीडर हैं जिन्होंने मुतासरा खातून की बजाय करप्ट पुलिस ऑफिसर का दिफा किया। श्री मजारी ने जवाब दिया ऐसी बात गलत है, हुकूमत ने सीसीपीओ के बयान पर नापसंदीदगी का इजहार किया। मैंने हेलमेट पहना हुआ था और मुझे सिर्फ उसका हुलिया याद है, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी, इट वाज क्वाइट डार्क और मैं उसका नंबर प्लेट भी नहीं पढ़ सकी, यही मसला था। तो उसकी मैरून शर्ट पहनी हुई थी, ऑफिस बंद था, उसने पीछे ऑफिस बैग रखा हुआ था। मेरी बात हुई अगले ही दिन डीसी साहब से और उनको मैंने लोकेशन बताई एग्जैक्ट टाइम जब वो इंसिडेंट हुआ और उस बंदे का हुलिया मैंने बताया। फिर मुझे SHO साहब की, SP साहब की भी खुद कॉल आई एंड वी आर स्टिल इन कोऑर्डिनेशन एंड दे आर गोइंग थ्रू CCTV कैमराज के अगर उन्हें कोई ऐसी वीडियो मिल जाती है जिसमें उसको आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि हम उसे पकड़ सके, तो अभी हम प्रोसेस में ही इंशाल्लाह ताला वी माइट गेट समथिंग सून। कौमी साइकिलिस्ट समर खान का सड़क पर हिरासा करने का इल्जाम, इस्लामाबाद में साइकिलिंग के दौरान एक शहरी ने जिस्मानी तौर पर हिरासा किया, पुलिस की CCTV फुटेज के जरिए वाकये की तहकीकात, समर खान से भी राबता। कौमी साइकिलिस्ट 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बोली कि शहरी ने हेलमेट पहन रखा था, सामने आने पर पहचान नहीं पाऊंगी। झूठ का जवाब देने को तैयार है, हम जेल भुगतने के तैयार है, मैं भुगतने को तैयार है, पर आप बताएं हमें क्या आप भुगतने के लिए तैयार हो? आप साथ तैयार है खान साहब, आपको इन आवाम के हक देना पड़ेगा वरना हम आ रहे हैं, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। PTI के मंशूर का हिस्सा था कि उस रात का इमरजेंसी डिक्लेयर करें,
दो साल से इस मुल्क के किसान परेशान है, आज तक उन्होंने एग्रीकल्चर इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया। गरीब किसान को कॉम्पनसेट करो, ये आपका जिम्मेदारी है, ये इनका हक है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद मार्च की धमकी दे दी, कहते हैं हक ना मिला तो इस्लामाबाद का रास्ता जानते हैं, हमें खुसूसी पैकेज नहीं अपना हक चाहिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किसान परेशान हैं। बिलावल भुट्टो ने फहमीदा मिर्जा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शुगर स्कैंडल डैम में तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी, तहकीकात की निगरानी डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी करेंगे। चेयरमैन नैब का कहना है कि स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। महंगाई मार गई, एक हफ्ते के दौरान चिकन, आटे, घी, चावल, दालों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की 22 अशिया 17% तक महंगी हो गई। गरीबों के लिए महंगाई में इजाफे की औसत शरह 12% के करीब पहुंच गई। मोहम्मद अली जिन्ना की 72वीं बरसी पर कौम का सलाम, सदर मुमलिकत, गवर्नर और वजीर आला सिंध की मजार कायद पर हाजिरी, आर्मी चीफ का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। साबिक खातून अव्वल कुलसुम नवाज को बिछड़े 2 बरस हो गए, कैंसर से तवील जंग लड़ते लड़ते लंदन में इंतकाल हुआ। परवेज मुशर्रफ हुकूमत का डट कर मुकाबला किया, नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इलेक्शन जीता। मरियम नवाज कहती हैं कि कोई लम्हा ऐसा नहीं जब आपको याद ना किया हो, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और मुल्क के इसराइल से ताल्लुकात कायम होने का इंदिया, कहते हैं मशरिक वुस्ता में अमन कायम कर सकते हैं, कुछ ही अरसे में दीगर मुल्क भी शामिल होंगे, मुज़ाकरात में सऊदी फरमारबा भी शरीक होंगे।